बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मारूफ सुन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरबी दलू क्रिकेट। सबसे पहले बात करते हैं फ़खर जमान के हवाले से। फ़खर जमान ने जिस तरह से की इनिंग खेली तो इंडिया में उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, और अगर बात करें तो इस वक्त बहुत सी तरीफें हो रही हैं, मुख्तलिफ इंडिया मीडिया कर रहा है और आग लगी हुई है भारत में, और आपको बताएँगे तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं फ़खर जमान के हवाले से। फ़खर जमान ने जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 180 रन की इनिंग्स खेली 144 बालों पर, तो फ़खर जमान के इस वक्त भारत जो मीडिया है वो चर्चे का रहा, और भारत में एक आग लगी हुई कि फ़खर जमान ने जिस तरह से बैटिंग की है, भारतीय मीडिया जो है इस वक्त फ़खर जमान को लेकर आग बरसा रहा, और उनका कहना है कि फ़खर जमान ने जिस तरह की इनिंग खेली और जिस तरह से कि पाकिस्तान और भारत की जो कंडीशन है वो मिलती जुलती है, तो फ़खर जमान जो हैं वो भारत में आग लगा देंगे जब 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर में। तो इस वक्त भारत में एक मातम बिछा हुआ है कि भारत में जो फ़खर जमान है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और भारतीय टीम में खौफ पैदा हो गया है फ़खर जमान का, और उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो किसी भी वक्त पांसा पलट सकती है। इस वक्त विक्रांत गुप्ता जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि फ़खर जमान ने जिस तरह से बैटिंग की, और जिस तरह से बाबर आजम की भी तारीफ हो रही है मोहम्मद रिजवान के, उन्होंने भरपूर साथ दिया है, और फ़खर जमान की खास तौर बड़ी तारीफ हो रही है। सचिन बड़ी तारीफ कर रहे हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं भारत के उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो भारतीय मीडिया जो है वो 2017 की जो फ़खर जमान की बैटिंग है उसको याद कर रहा है, जिस तरह से फ़खर जमान ने भारत की टीम के खिलाफ 100 किया था। तो उनका कहना है कि फ़खर जमान जिस तरह अब फॉर्म में है वो किसी टीम को नहीं छोड़ेंगे, किसी हद तक उनकी बात ठीक है। फ़खर जमान ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है, और बड़ी शानदार उनकी इनिंग्स थी, और इस वक्त जितने भी भारतीय मीडिया है वो फ़खर जमान को लेकर बातें कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है उसकी भारत में तारीफ हो रही है, और पाकिस्तान की जो टीम है उसको आसान नहीं लिया जाएगा वर्ल्ड कप में। और भारत जो है इस वक्त वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप जो होगा उसमें कुछ भी कर सकता है, तो ये किसी हद तक उनकी बात ठीक है। ख़ासतौर तीन बैट्समैन को तारीफ हो रही है, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और बाबर आजम, इनके चर्चे हैं भारतीय मीडिया में, तो ये अच्छी बात है कि भारत के जो मीडिया है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। तो ये थी आज की ताज़ा अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।